चल दूसरा कुछ तो लगा उसकी। अरे दूसरा हद दे। हाउस एट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस एट हाउस एट। दिस गेम इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एट योर ओन रिस्क। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक मॉर्निंग विद स्पोर्ट्स तक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो विजय रथ है वो नहीं रुक रहा है, उनकी विनिंग स्ट्रीक अभी भी कंटिन्यू है और चौथा मैच लगातार बैंगलोर ने अपना जीत लिया है। कल शानदार तरीके से राजस्थान पर हल्ला बोल दिया है, 10 विकेट के साथ जीता है। विराट कोहली और देवदत्त पाटिकल ने क्या शानदार पारियां खेली हैं। और पाटिकल जिन्होंने अभी कोविड से रिकवर किया है, पहला मैच उन्होंने कोरोना की वजह से वो क्योंकि पॉजिटिव हो गए थे, उसके बाद नेगेटिव हुए तो वो फिट शायद नहीं थे पूरी तरह से, उसकी वजह से उन्होंने पहला मैच मिस किया, लेकिन पूरी कसर उन्होंने कल निकाल दी है और क्या अमेजिंग सौ उन्होंने लगाया है आरसीबी के लिए। और आरसीबी का जो कैंपेन है आईपीएल 2021 का वो जिस तरह से लगातार ऊपर जा रहा है उसे देखकर आरसीबी के फैंस जो है वो बेहद खुश है। और अगर आप आरसीबी के फैन हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है आरसीबी के साथ सीजन में, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और आज की अगर एक्शन की बात करूं तो आज है मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स, और दोनों ही टीमें ऐसी हैं जिनको मुझे लगता है अपने मिडिल ऑर्डर में थोड़ा थोड़ा काम करने की जरूरत है। पंजाब को थोड़े से अपनी बॉलिंग में भी कुछ मुझे लगता है कि चेंजेस करने की जरूरत है, और मुंबई इंडियंस को सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि उनके मिडिल ऑर्डर को कैसा परफॉर्म करना है, क्योंकि वहीं पर वो टीम फंस रही है। बाकी उनका बॉलिंग अटैक तो माशाल्लाह है, बिल्कुल हम सब जानते ही हैं, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जहां पर हो, राहुल चहर उस पर कहर जो अपना दिखा रहे हैं लगातार, तो आज ये आपको एक्शन देखने को मिलेगा शाम को। उसके बाद अगर खबरों की शुरुआत करूं तो कल मैच था, विराट कोहली ने परफॉर्म किया बैंगलोर के लिए, और जब जब विराट कोहली खेलते हैं मैदान पर आते हैं तब तब कोई ना कोई रिकॉर्ड बनता है, ये बहुत आम सी बात है, लेकिन ये जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है ये बिल्कुल आम नहीं है। 6000 आईपीएल रन्स विराट कोहली ने पूरे कर लिए हैं और विराट पहले बैट्समैन हैं ये रिकॉर्ड बनाने वाले। तो उसके बाद दूसरी खबर है ऑयन मॉर्गन, कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले अपना मैच हारा और उसके बाद अब कैप्टन ऑयन मॉर्गन को एक और झटका लग गया है, 12 लाख का उन पर फाइन लग गया है स्लो ओवर रेट के चलते। और लगातार हम ये देख रहे हैं, पहले एमएस धोनी पर लगा 12 लाख का फाइन, फिर रोहित शर्मा पे लगा और अब ऑयन मॉर्गन पे भी लग गया है। और ये फाइन जो लगता है ये पहली वार्निंग होती है टीम को, अगर दूसरी बार ऐसा कुछ होता है तो वो फाइन डबल हो जाता है और बाकी के जो टीम के मेंबर्स हैं प्लेयर्स हैं उन पर भी फाइन लगता है, उनकी कुछ पर्सन मैच फीस जो है उस पर उनको भी सजा मिलती है। तो ये एक एक टीम को, जैसे चेन्नई हो गई, कोलकाता हो गई और मुंबई हो गई, इनको वार्निंग मिल चुकी है। खैर उसके बाद टी नटराजन की कल ब्रेकिंग आपने स्पोर्ट्स तक पे ऑलरेडी देख ली होगी। टी नटराजन जिनको घुटनों में चोट लगी थी उसके चलते अब वो आईपीएल से बाहर हो गए हैं, इस आईपीएल सीजन में अब वो आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। और ये हैदराबाद के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने अपना एक मैच जीता है, उनका थोड़ा बहुत उनकी गाड़ी पटरी पर आई थी, लेकिन नटराजन जो उनके एक इम्पॉर्टेंट और इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते थे वो अब इस आईपीएल सीजन उनके साथ नहीं दिखाई देंगे, तो ये एक चिंता की बात है हैदराबाद के लिए। उसके बाद आज शाम को मैच है मुंबई इंडियंस का, उससे पहले ट्रेंट बोल्ट ने अपनी टीम को एक मैसेज दिया है और कहा है कि जो हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज रन्स लगाइए बोर्ड पे, क्योंकि अगर आप रन्स देंगे तो हम अपना काम बखूबी कर सकते हैं। तो ये एक मैसेज ट्रेंट बोल्ट ने अपनी टीम को दिया है। मैच से पहले हमने देखा कि मुंबई इंडियंस का जो बैटिंग कोलैप्स हुआ था दिल्ली के अगेंस्ट, और उसी पर उन्होंने बात कही है कि अगर हमें रन्स मिलते हैं बोर्ड पे तो हम इतने सक्षम हैं कि मैच निकाल लेंगे अपनी टीम के लिए, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, राहुल चहर, तो बस और क्या चाहिए। तो यही उन्होंने मैसेज दिया है अपने टीम मेंबर्स को। उसके बाद माइकल वॉन अगेन, उन्होंने इंडिया पे वो निशाना लगातार लगा रहे हैं जब से पिचेस वाली कंट्रोवर्सी हुई है इंग्लैंड सीरीज में, इंग्लैंड जब आई थी उसके बाद अब अगेन यूरोपियन, पता है कि जो 12 क्लब से उन्होंने फॉर्म करने का ऐलान किया था, लेकिन अब उसके 3 दिन बाद कुछ 6 क्लब हैं उसमें से जिन्होंने अपना नाम वापस भी लेने का फैसला लिया है। तो उसी पर थोड़ा सा एक तंज कसते हुए माइकल वॉन ने बोला है इंडिया की जो पिच है उसको कंपेयर करते हुए कि ये तो वही बात हो गई कि इंडिया में टेस्ट मैच, यानी कि इंडिया में टेस्ट मैच जब 3 दिन में खत्म हो जाता है, उस पर उन्होंने थोड़ी सी चुटकी लेने की यहाँ पर कोशिश की है।
इन दोनों सिचुएशन को उन्होंने कंपेयर किया है। उसके बाद विराट कोहली की कैप्टेंसी पर लगातार बड़े बयान आ रहे हैं इस आईपीएल टूर्नामेंट में। पहले हमने देखा काइल जेमिसन ने विराट की तारीफ की थी, उसके बाद मैक्सवेल ने विराट की तारीफ की थी, और अब वॉशिंगटन सुंदर ने बोला है कि मैंने जितना भी इवॉल्व किया है एज अ प्लेयर, मैं जितना भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाया हूँ, उसका क्रेडिट उन्होंने विराट कोहली को दिया है कि विराट कोहली जब आपके कैप्टन हैं तो बहुत कुछ उन्होंने वहां से सीखा है, विराट से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो इंडिया में हो या फिर टीम इंडिया के लिए खेलते हो या फिर आरसीबी के लिए खेलते हो आईपीएल में। तो उन्होंने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। मैक्सवेल, हम सबके मन में ये सवाल है कि मैक्सवेल जिनका आईपीएल इतना अच्छा नहीं जाता था, अक्सर हम बात करते थे कि ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैक्सवेल दिखते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए, वैसे आईपीएल में क्यों नहीं दिखते हैं, बट जब से आरसीबी में मैक्सवेल आए हैं देखा है कि वो किस तरह से कमाल कर रहे हैं। तो उसी पर मैक्सवेल ने भी अपना खुलासा किया है। स्टोरी आपने स्पोर्ट्स तक पे कल देखी होगी, नहीं देखी है तो मैं यहाँ आपको एक बार और बता देती हूँ, मिस हो गई है अगर। तो मैक्सवेल ने बोला है कि आरसीबी में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर पर ही खेल रहा हूँ, इतना ज्यादा कंफर्टेबल उनको फील हो गया है, फील हो रहा है आरसीबी में विराट के साथ, एबी डिविलियर्स के साथ, जिस तरह से उनकी बॉन्डिंग बन गई है। उस पर उन्होंने बोला है कि कभी उन्होंने किसी भी दूसरी फ्रेंचाइजी में खेलते हुए ऐसा फील नहीं किया था, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि अच्छी परफॉर्मेंस निकल रही है। सपोर्ट स्टाफ को और कोचेस को भी उन्होंने क्रेडिट दिया है इस चीज का। उसके बाद ये तो विराट कोहली की कैप्टेंसी की बात थी, लेकिन कप्तानों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को हम नहीं भूल सकते हैं, और धोनी की कैप्टेंसी पर फाफ डुप्लेसी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एमएस धोनी की कैप्टेंसी में खेलने का उनको मौका जो मिल रहा है वो अपने आप को बेहद 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 लकी मानते हैं, और उन्होंने कहा है कि धोनी को अच्छे से पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं और मैच किस तरफ जा रहा है। तो जिस कैलकुलेटर की हम बात करते हैं वो फाफ भी मानते हैं कि धोनी के पास ऐसा कोई तो कैलकुलेटर है जिससे वो हर सिचुएशन को बखूबी लेट कर लेते हैं। उन्होंने जमकर एमएस धोनी की तारीफ की है। उसके बाद फाफ ने तारीफ की है धोनी की, लेकिन फाफ डुप्लेसी की तारीफ की है किसने, ऋतुराज गायकवाड़ ने। उन्होंने बोला है कि फाफ के साथ जब वो ओपन करने आते हैं चेन्नई के लिए, तो जिस तरह से फाफ का अटैक करने का तरीका है बॉलर्स पे, वो उनको बहुत ज्यादा वहां पे कंफर्टेबल कर देता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं सामने दूसरे एंड पे खड़ा रहता हूँ, आराम से अपनी पारी को बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, और वहां फाफ डुप्लेसी जो है वो अटैक कर रहे होते हैं, इधर उधर मार रहे होते हैं बॉलर्स को पकड़ पकड़ के। तो ये चीज उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी उनके गेम को बेहतर करने में। तो उन्होंने की है फाफ डुप्लेसी की तारीफ, और फाफ अमेजिंग फॉर्म में दिख रहे हैं। 95 अभी उन्होंने पीछे लगाया था चेन्नई के लिए, और उम्मीद करेंगे और भी अच्छी परफॉर्मेंसेस ऐसी हमें देखने को लगातार मिलती रहे। उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण ने भी एक बयान दिया है ऑलराउंडर्स को लेकर, आईपीएल से नहीं बट टीम इंडिया की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कपिल देव की बात उन्होंने कही है कि कपिल देव जैसे ऑलराउंडर थे, मैच विनर थे, वैसा आज के टाइम में कोई प्लेयर किसी को ऐसा बनाना बहुत मुश्किल है, और इसका इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है वर्कलोड को। उन्होंने कहा है कि आज के प्लेयर्स जो है उनका वर्कलोड इतना ज्यादा है कि आप उनको उस तरह से ग्रूम कर ही नहीं सकते, और हम सबको पता है कि हार्दिक पांड्या को लगातार कंपेयर किया जाता है कपिल देव के साथ कि वो शायद ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसा कपिल देव ने किया है इंडियन क्रिकेट में। तो उसी के चलते उन्होंने कहा है कि आज के टाइम में वो किसी भी प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल है वैसे प्लेयर को ग्रूम करना, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट पर उन्होंने इसकी बात कही है। और इसके बाद अगर क्रिकेट से अलग हटकर एक खबर है उसके बारे में बता दूं आपको, तो फॉर्मर शटलर ज्वाला गुट्टा ने शादी कर ली है। उन्होंने एक्टर विष्णु विशाल के साथ अपनी शादी कर ली है, और सोशल मीडिया पर उसको शेयर भी किया है अपनी तस्वीरों को, और जो फैंस काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। तो ये थी आज के अखबारों में कुछ स्पोर्ट्स की खबरें जो आपको देखने को मिलेंगी, मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, खबरें अच्छी लगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए, और आज एक्शन है पंजाब वर्सेज मुंबई, उसके लिए हाउस ऐप पे अपनी टीम बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक है, और फटाफट हाउस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। 30 सेकंड्स का टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार आपने हाउस ऐप पे खेल लिया तो मजा बहुत आएगा। और युवराज सिंह को अगर आप हराते हैं बीट द लेजेंड कॉन्टेस्ट में तो आपको प्राइजेस भी मिलते हैं, 2-3 गुना प्राइजेस आप कमा सकते हैं वहां से। तो फटाफट जाइए हाउस ऐप पे रजिस्टर कीजिए, अपनी टीम बनाइए, युवराज सिंह को हराइए, लेजेंड को हराइए, और अगर कुछ भी हेल्प चाहिए टीम बनाने में तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करिए, मैसेज करिए, और बीट द लेजेंड पे हम आपको एक वीडियो भी देंगे अब से थोड़ी देर में स्पोर्ट्स तक पे, जिसपे आप देख सकते हैं कि क्या कुछ आपको फैंटेसी 11 अपनी पिक करनी चाहिए। थैंक यू।
स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।